गरीबी एक अभिशाप है, एक ऐसी दशा जिसमें फंसा है इंसान पल पल खुद को कोसता है। कहते हैं कि एक इंसान उसी दिन मर जाता है जब वो किसी गरीब के घर पैदा होता है, लेकिन फिर भी उस गरीब बच्चे के माँ बाप उसे किसी तरह का कोई अभाव, कोई तकलीफ महसूस नहीं होने देते। वो गरीब बाप मजदूरी करता है, जूते साफ करता है, लोगों की गालियां सुनता है। गरीब माँ घरों में काम करती है, जैसे तैसे दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त करके अपने घर का गुजारा करती है। बच्चे बड़े होते हैं, अपने माँ बाप की तकलीफ को समझते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं, पढ़ाई भी जारी रखते हैं। हर किसी को पढ़ाई का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन जिनको मिलता है वो उस मौके को कभी नहीं छोड़ते। नौकरी की तलाश में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन आज के जमाने में कुछ प्लेसमेंट सेंटर्स ने नौकरी तलाश करने वाले बच्चों की मुश्किलों को थोड़ा सा कम करने का काम किया है। लेकिन यही प्लेसमेंट सेंटर ना सिर्फ गरीबों की खून पसीने की कमाई को ऐड कर अपनी दुकानें चला रहे हैं, बल्कि लाखों बच्चों के अरमानों को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब इस खबर को ध्यान से सुनिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा, ताकि मासूम और अज्ञान बच्चों की आंखें खुल सके। अब बताते हैं आपको इन प्लेसमेंट सेंटर्स का पूरा काला सच, जिसे सुनने के बाद आप भी ऐसे अनऑफिशियल चल रहे सेंटर्स पर विश्वास करना बंद कर देंगे। जो आपके पास फर्जी एसएमएस आते होंगे उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे, उसके साथ साथ फर्जी फोन कॉल्स पर भी अब आप ध्यान देने लगेंगे। नोएडा के सेक्टर 27 में जॉब गेट नाउ के नाम से एक प्लेसमेंट सेंटर संचालित है, जो कि मोनू सचिन शर्मा नाम का एक व्यक्ति चलाता है। इनका एक करीबी है मोहम्मद आदिल, जिनकी सचिन से चंद दिनों की मुलाकात थी। इसके बाद आदिल ने चाल चली और जॉब गेट नाउ के प्लेसमेंट सेंटर के नाम पर अपना मेरठ में एक सेंटर खोला। अब सेंटर दो थे, एक नोएडा में एक मेरठ में, लेकिन नोएडा वालों को जरा खबर नहीं थी कि उनके नाम का सेंटर अब मेरठ में भी चल रहा है, यानी कि उनके नाम पर मेरठ में कोई व्यक्ति बच्चों को ठग रहा है। 100 नहीं 200 नहीं बल्कि हजारों की ठगी यहां पर हो रही थी। आदिल ने अपने ऑफिस में जॉब की मांग रखने वाले बच्चों से पैसा ऐंठने के लिए कुछ लड़कियों को एज अ कॉलर जॉब पर रखा। उन्हें टारगेट दिया था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने सेंटर पर बुलाए, उनसे ये कहकर पैसे ले कि वो बच्चों की जॉब लगवा कर देंगे। मैं वहाँ पे अप्रैल में जॉब की थी और मई में छोड़ दिया था, एक महीने करके। क्या हुआ, आदिल ने जो सेंटर चलाया हुआ था किसके नाम पे था? जॉब गेट नाउ, इस नाम से उनकी कंसल्टेंसी थी, तो वहाँ पे इंटरव्यू देने गई थी मैं जॉब के लिए, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो उन्होंने जॉब के लिए मुझे रख लिया था। उन्होंने कहा था वहाँ कॉलिंग करनी है, तो कॉलिंग के लिए मैं वहाँ पे थी, बट एक महीना मुझे कंप्लीट हो गया तो उन्होंने मुझे मेरी सैलरी नहीं दी। फिर मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरी सैलरी दे दो, मुझे ज़रूरत है, तो फिर वैसे बोलने लगे कि जो तुम्हें करना है कर लो, बट मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा, चाहे पुलिस कंप्लेंट कर लो, जो करना हो वो कर लो। बट फिर मैं मतलब एक दो बात मैंने उनसे कही कि हाँ मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी, जो तुम्हें करना हो कर लो, बट मैं अपनी सैलरी तुमसे लेके रहूँगी। बट फिर पापा ने मना कर दिया कि पुलिस कंप्लेंट मत करो ऐसे, तो फिर कुछ नहीं हुआ। कितनी सैलरी बाकी आपकी? उन्होंने कहा था कि जो पहला मंथ होगा उसमें आपको 6,000 मिलेंगे, बट नेक्स्ट मंथ से 8,000 हो जाएंगे, तो ना उन्होंने 6,000 दिए और ना ही 8,000 दिए। और जो इतने बच्चों से वो पैसे लेता था, क्या किसी की जॉब लगवाई उसने कभी? जी नहीं। कितने कितने पैसे लेता था? 10-10, 15-15 हज़ार सब बच्चों से लेते थे और सिर्फ उन्हें ठग के ऐसे ही छोड़ देते थे, ना किसी को जॉब दिला देते और ना ही कुछ। अभी फिलहाल कहाँ है वो, आपकी बात हुई उससे कुछ? यस मैम, मेरी बात हुई थी उनसे, हमने उन्हें यहीं पे बुलाया था, बट वो डर रहे हैं तो वो आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि वहीं ऑफिस आ जाओ, बट हम वहाँ जाएंगे नहीं, हम उन्हें यहीं पे बुलाएंगे। ठीक है, आपको उससे कोई खतरा है? नो मैम। किसी तरीके की धमकी दी है उसने? नो, धमकी तो कोई नहीं दिया ऐसे। मेरा नाम सुनीता है, मैं आदिल के यहाँ जॉब करती थी, मैं मार्च से जॉब कर रही थी, मेरे 2 महीने हो गए थे। उसने बोला था 6,000 रुपये सैलरी दूंगा फर्स्ट मंथ में, अगले महीने से 8,000 दूंगा, उसने मना कर दिया, वो भी नहीं दिए। और बच्चों से बोलता था, हमसे बोलता था कि मैं 10-10 हज़ार रुपये, तुमसे 10,000 भी नहीं लिए जाते बच्चों से, मैं 50,000 भी ला के दिखा सकता हूँ तुम लोगों को। और जब हमने सैलरी मांगी तो बोलने लगा कि तुम लोग काम नहीं करते हो, तुमने आज तक कोई काम नहीं किया हमारे लिए। अब तक कितने पैसे ले चुका हूँ लोगों से? मैम कम से कम 50-60 हज़ार रुपये ले चुका होगा अभी तक। बच्चों का आपके पास पे फोन नहीं आया, कोई शिकायत? मैम आया, वो ऑफिस में आते थे, रोते थे। अभी भी एक बच्चे के 55,000 रुपये
5500 रुपये ले रखे, वो अब भी देने का नाम नहीं ले रहा। उस बच्चे ने सुबह फ़ोन किया तो उसने बोल दिया कि मैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में दूंगा या फ़ोन कर दूंगा। और मुझसे बोला कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उस बच्चे के, उसने वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिया। और उसने जब फ़ोन किया तो उसने झूठ बोल दिया कि मैं सुनीता से पैसे ले गए, तेरे डॉक्यूमेंट्स छुड़ा के लाया हूँ। और किसी तरीके की जॉब लगवाई उसने? मैम नहीं, जॉब किसी की भी नहीं लगवाई उसने। तो सरासर ठगी करता है मैम, वो ठगी करता रहता है, सबको उल्लू बनाता है। पहले वो नोएडा दिल्ली में जॉब करता था, उसके बाद ये अलग से यहाँ मेरठ में करने लगा। आदिल सबसे कहता था कि वो SBI, एक्सिस जैसे बड़े बैंकों में उनकी जॉब लगवाएगा। कई बच्चे पैसे लेकर, दिलों में आस लेकर कि उनकी नौकरी लग जाएगी, आदिल के जॉब गेट नाउ सेंटर पर पहुंचे। किसी से 500 रुपए लिए गए, किसी से 3000, तो किसी से 5 से 15 हजार तक की रकम भी ऐंठी गई। ऐसे ही एक पीड़ित को जब हमने फोन मिलाया और उनसे पूछा कि क्या नौकरी लगवाने के नाम पर पैसा ऐंठ रहे आदिल को आप जानते हैं, या उन्होंने आपसे कोई पैसा लिया है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आदिल को कितने पैसे दिए थे आपने? 5000। 5000 क्या कहा था उसने आपसे? मैंने कहा था कि मैं जॉब लूंगा, आपसे 5000 रुपए दे दो मुझे एडवांस। अच्छा, और बाकी? बाकी तो कुछ नहीं, मैंने 5 चक्कर हमारे उसके जहाँ वो भेज रहा मुझे, वहाँ के हमारे 5 चक्कर वहाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा। किराया मेरा लगता रहा फालतू में। अच्छा, फिर कभी HR ना आया, कभी HR आए नहीं, लेट हो गया, ऐसे ऐसे करके 3 दिन लगाए थे मुझे, 1 महीने चक्कर कटवा दिया। अच्छा, और जब मैं पैसे की बात कर रहा हूँ तो यारा अभी 2 या 2-3 दिन में ऐसे बहाने बनाता रहता है ये। अब कल जो मैंने बात करी, कल ये कह रहा था कि 1.5 घंटे बाद तुमने बात करके, अब तक फोन आया नहीं। अच्छा, तो आपके बैग में? अच्छा, आपके किसी दोस्तों के भी पैसे लिए हैं उसने नौकरी लगवाने के नाम पर? मेरे दोस्त नहीं है, सुनीता मैम को पता, उनके साथ लिए उन्होंने। अच्छा, तो तुमसे 5000 रुपए लिए उन्होंने, बाकी उन्होंने कहा था कि बाद में लेंगे। इतना ही नहीं बल्कि फर्स्ट बाइट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले के आरोपी आदिल से बातचीत भी की, उनसे उनका पक्ष रखने के लिए उन्हें कहा गया। लेकिन इतने लोगों का पैसा डकार कर घर पर आराम फरमाने वाले आदिल ने कहा कि वो डरे हुए हैं और किसी के सामने नहीं आएंगे, अगर मैं आऊंगा तो आप लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। ये सुनकर वो नहीं आए। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही सबका पैसा वापस लौटा देंगे, जिसके बाद वहां काम करने वाली एक कॉलर ने बताया कि फर्स्ट बाइट की मदद से उनका पैसा भी उन्हें वापस मिल गया है। मैं पहले जॉब गेट नाउ में जॉब करती थी, जहाँ पे मुझे मेरी जॉब करने के पैसे नहीं मिले। फिर आदिल के पास मैं जॉब करती थी, उन्होंने मुझे पुलिस के पास जाने से भी मना कर दिया था कि पुलिस के पास आप मत जाना। तो मैंने सोचा कि हमारी हेल्प करेगा कौन, तो फिर हम न्यूज़ चैनल में गए, फर्स्ट बाइट TV, तो वहाँ पे हमने उनसे कहा, तो उन्होंने हमारी हेल्प करी, तो इस वजह से हमें हमारे पैसे मिल गए। बट हमें हमारे पैसे मिल गए हैं, बट जो बाकी बच्चे हैं वहाँ के कैंडिडेट्स, उन्हें उनके पैसे अभी तक भी नहीं मिले। मैं आदिल के पास जॉब करती थी, उसने हमारे पैसे देने के लिए मना किया था, उसने हमें पुलिस के पास भी जाने के लिए मना किया था, इसलिए हम न्यूज़ चैनल पे गए फर्स्ट वाइड TV के पास। उन्होंने हमारी हेल्प करी, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे पैसे दिलवाए। फिर भी उसमें से अभी आधे पूरे बच्चों के पैसे नहीं मिले हैं, और वो उनके देने के लिए भी नहीं, उनके फ़ोन हमारे पास आते हैं और रोते रहते हैं, बोलते हैं मैम हमारे पैसे दिलवाइए। मैं चाहती हूँ उन बच्चों के भी पैसे मिले इस हेल्प से, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो ज़रूर उनके पैसे देगा। फर्स्ट बाइट की इस पहल का असर यह हुआ कि गुनहगार ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पैसा वापस किया। उम्मीद है कि जिन बच्चों की नौकरी लगवाने का झूठा वादा आदिल ने किया है, जिनके पैसे ऐंठे हैं, उनके पैसे भी वो जल्द ही लौटा देगा। जिनके सपनों को तोड़ा गया, उनका पैसा जल्द ही वो वापस कर देगा। बताया जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। अब मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि आप ऐसे फर्जी SMS प्लेसमेंट सेंटर्स की जांच किए बिना वहां पर ना जाएं, फर्जी फोन कॉल्स पर भी आप विश्वास ना करें, और इस खबर को दूर तक फैलाएं ताकि हर कोई इंसान ऐसे फर्जी लोगों से बच सके। नमस्कार।